शिक्षा की कमी, नशा की लत और पुलिस प्रशासन की लापरवाही नाबालिग युवाओं को लगातार अपराध की ओर धकेलने का काम कर रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो बना हुआ है। पीड़ित के स्वजनों ने कुकृत्य करने वाले लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को बाल संरक्षण गृह भेजने की अपेक्षा थाने से छोड़ दिया। यह मामला थाना लोहामंडी आलमगंज का है। लोहामंडी आलमगंज ने गूंगा उम्र 8 साल के साथ अप्राकृतिक कुकृत्य किया। पुलिस आयुक्त से शिकायत करने के बाद थाना पुलिस ने मुकदमा तो लिख दिया, लेकिन दोषी की गिरफ्तारी नहीं की है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित स्वजनों ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि दोषी सैपू आपराधिक मानसिकता का लड़का है। नशा, चोरी और बच्चों के साथ कुकृत्य करना उसकी आदत में शुमार है। जनहित में किसी अन्य लड़के या लड़की के साथ उक्त लड़का घटना की पुनरावृत्ति ना कर दे, इसलिए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। मेरा नाम समीना है, मैं इसके गूंगे की बेरे की बुआ हूँ। क्या नाम है इस गूंगे का? एक गूंगे का एजान नाम है, एजान और है। इसको पकड़ के ले जाता है सेपू, कभी चोरी करता है, कभी कुछ करता है, इसको ले गया पागल खाने के डंडे में। वहाँ पर इसके साथ में बुरी हरकत करी, हमारे पास वीडियो भी है, हमने वीडियो हर मोबाइल पे वायरल कर दिए। अब हमने उससे कही शिकायत करी है चौकी इंचार्ज से, हम थाने गए थे, थाने वालों ने चौकी पे पहुँचाया, चौकी वालों ने मिल के मुखबर के साथ में, मुखबर है सलमान सलीम का लड़का, आलमगंज सैयदपाड़ा में रहता है, उसके साथ मिलके उसको पैसा खाया, जिन्हें मालूम कितना खाया है, उसको छोड़ दिया, जिसमें हमने मुजरिम को उसके हाथ में दे दिया था तो भी उसको छोड़ दिया। और क्या नाम है, हमसे कह दिए जाओ तुम्हारी क्या नाम है वो हो जाएगी शिकायत, कोई शिकायत नहीं कर रहा है। आज हमारे लड़के को 9 दिन हो गए, 12 तारीख का मामला है, आज हो गए इस 20 तारीख है, हम परेशान है। उस लड़का जीदारी से डोलिया जो कह रहा है कि जाओ क्या नाम है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं तो खाना खा के आ रही हूँ। कितने उम्र का लड़का है जिसने कुकृत्य किया? 15 साल का है वो, 14-15 साल का है, जय 7 साल का है। तो उसे गिरफ्तार क्यों कराना चाहते हैं आप लोग? हम उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं कि आज उसने हमारे बच्चे के साथ कराया, लड़के के साथ, कल हमारे घर में बेटिया भी हैं और भी बस्ती में बेटिया है, पड़ोस के अंदर पूरा मोहल्ला उससे परेशान है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। चौकी इंचार्ज ने लोहे मंडी थाने से 4 दिन से बराबर आ रहा है, रोज सुबह शाम हम 2-2 घंटे बैठ के जा रहे हैं लोहे मंडी थाने में, तो जो कह देते हैं चलो तुम्हारी शिकायत हो रही है, तुम्हारा मुकदमा दर्ज हो रहा है, अरे जांच चल रही है। किस बात की जांच चली, जब हमने मुकदमा करा है तो हमारी किस बात की जांच, सबूत दे दिया है, आपने हमसे चिप में मंगवा के मंगाया था पेन ड्राइव में, कि जे वो वीडियो पेन ड्राइव में करके दो, हमने पेन ड्राइव में भी करके दे दी तो भी उस लड़के को नहीं उठा रहा है, छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया है आजादी से, अब वो खूब डोल रहा है। और आज हमारे लड़के को परसों भी उठा के ले गया है, तो हमने अपने लड़के को मार के रखा है, क्या मालूम हमारे लड़के को अभी मार दे, ठीक है, हमें कोई भरोसा नहीं है उसका, उसके हमारी हाथ जोड़ के इंतजार है कि उसको गिरफ्तार करा जाए।